अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमसील टीवी। मैं हूं अजान मलिक। इस वक्त मैं लाहौर पुलिस के जवान सैफुल्लाह के घर पर मौजूद हूं, जिनका एक कोर्स के दौरान पांव शदीद ज़ख्मी हो गया था। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या माजरा था और ये पांव कैसे ज़ख्मी हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बेहतर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था सैफुल्लाह, कैसे ये हादसा पेश आया और अभी क्या नौयत है इसकी? मैं भी आज 6 महीने पहले एडवेंचर कोर्स था आर्मी स्कूल ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग एबटाबाद में पैराग्लाइडिंग का, तो वहाँ से ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन मैं गिरा हूँ, पैराग्लाइडर से क्रैश लैंडिंग हुई है। तो लोअर लेग जो मेरी है टिबिया और फिबुला ये बैडली डैमेज हुई हैं और 6 महीने इस चीज़ को हो रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है अभी मज़ीद 1-2 महीने तक फुल रिकवर हो जाऊंगा चलने फिरने के और दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के काबिल हो जाऊंगा। अभी फ़िलहाल फिजियोथेरापी मेरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन मज़ीद 1 से 1.5 महीना भी रिक्वायर है मुझे खुद से चलने के लिए। तो अब क्या जज्बात हैं आपके कि ये आपने कोर्स ही अनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो क्या वो दोबारा मुकम्मल करने की ख्वाहिश है आपकी? टास्क तो मैंने कम्प्लीट कर लिया लैंडिंग का, लेकिन बस फ्लाई तो मैंने ठीक किया था, लेकिन लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर घर वालों ने, फैमिली ने और ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स ने दोबारा मुझे इजाज़त दी और डॉक्टर्स ने स्पेशली, तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और ये एडवेंचर ज़िंदगी का हिस्सा है, हादसे होते रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ऐसा वक्त किसी पर ले कर भी ना आए। मुश्किल वक्त था और बहुत ही मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का जो मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक ये कवर हो जाएगा, ये कितना मज़ीद टाइम लगेगा? 6 महीने इसको होने लगे हैं तकरीबन। जी तो सर, अपने दोस्तों और साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई खास नहीं, बस यही कि जिंदगी में हादसे और साने होते रहते हैं, कौमों की ज़िंदगी में साने जहाँ रहते हैं या अफराद की ज़िंदगी में हादसे होते रहते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज़ से सीखना चाहिए उन लोगों को। मुझे बहुत से अच्छे लोगों की भी कदम हुई है इस हादसे के बाद, मुझे उनको अच्छे तरीके से जानने का मौका मिला, समझ मिला। जो दोस्त खुशी में सिर्फ साथ है वो असल दोस्त नहीं होता, असल दोस्त वो है जो सिर्फ आपके गम में भी आपके साथ हो। मैं यही कहता हूँ कि हादसे से परेशान होने के लिए इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। जी जनाब, अभी आपने सैफुल्लाह की बातें सुनी, जिनका जोश और जज्बा इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद भी कम नहीं हुआ और वो अभी भी पुरुम्मीद हैं कि जब उन्हें सेहत अल्लाह ने तागी तो वो दोबारा से जाएंगे और अपने अधूरे मिशन को मुकम्मल करके आएंगे। आप देख रहे हैं तमसील टीवी। अजान मलिक, लाहौर।